मंडे से मेरे को हाई फीवर के जैसे महसूस हो रहा है। मतलब कि कहते हैं ना कि फीवर जैसा महसूस हो रहा है लेकिन फीवर जैसा नहीं है, पता कि बॉडी एकदम हीट कर रहा है, मतलब कि बहुत ज़्यादा आग जैसा महसूस हो रहा है, बदन हाथ टूट रहा है। ठीक है, मैं सोचा कि चलो ठीक है, वेदर की वजह से हो रहा होगा, क्योंकि यार मेरे तरफ उत्तर प्रदेश में 37, 36, 40 डिग्री सेल्सियस रहता है यार, गर्मी पता नहीं कब जाएगा। तो अभी 2 दिन बीत गए हैं, अभी भी ऐसा ही हो रहा था, लेकिन मैं इतना बड़ा ढक्कन हूँ कि मैं दवा लेता नहीं हूँ, मैं दवा इतनी जल्दी लेता नहीं हूँ। ठीक है, तो मैं अब जाके दवा लिया, और मेरे को ना डर लगता है यार, जब भी मेरे को फीवर होता है ना मैं बहुत डर जाता हूँ, क्योंकि फीवर से मेरा रिलेशन इतना अच्छा नहीं है। जब भी होता तो कुछ ना कुछ मेरे साथ भयंकर वाला होता है, समझ गए, जैसे कि टाइफाइड हो गया, मलेरिया हो गया, एंड पिछली बार अक्टूबर के टाइम पे तो डेंगू हो गया था। तो मुझे बहुत डर लगता है यार, एंड मैं बहुत ज़्यादा डर गया हूँ, बीपी मेरा एकदम बढ़ गया है। तो वही मैं सोचा चलो अभी मेडिसिन लिया हूँ, 1-2 दिन देखता हूँ, आई होप सो कि मैं ठीक हो जाऊँ, वेदर वाला ही रहे। बहुत सारे लोग समझाए हैं कि वायरल फीवर चल रहा है, ठीक हो जाओगे मौसम की वजह से, आई होप सो कि मंडे तक मैं ठीक हो जाऊँ, अगले मंडे तक। बहुत डर लग रहा है यार सच बोलूँ तो। सबसे पहला अपडेट आ रहा है फ्लिपकार्ट की तरफ से, फ्लिपकार्ट का जो बिग बिलियन डे सेल है अक्टूबर के 8 तारीख से शुरू हो जाएगा, 15 अक्टूबर तक चलेगा। एंड अमेजोन का ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल, ये भी अक्टूबर के 8 तारीख से ही शुरू होगा। मैंने बोला था ना आपको डेट ऊपर नीचे होते हुए दिखाई देंगे अमेजोन की तरफ से, तो दोनों 8 तारीख से शुरू हो रहे हैं। रेडमी 13C के ऑफिशियल रेंडर्स आ चुके हैं, देख लो भाई लोग, आपको रेडमी 13C ऐसा दिखाई देगा। रेडमी नोट 13 सीरीज का यहाँ पर डिजाइन दिखाई दे रहा है, अच्छा लग रहा है, रेडमी अपने डिजाइन के ऊपर ज्यादा ध्यान दे रहा है और अपने सारे सीरीज के फोन्स को एक जैसा दिखाने की कोशिश कर रहा है, काइंड ऑफ एप्पल सैमसंग की स्ट्रेटजी, अच्छा लग रहा है। आपको याद होगा पिछले टेक न्यूज में मैंने बताया था रियलमी का एक नया फोन आने वाला है जिसमें पेरिस्कोप लेंस होगा। अब कुछ रूमर्स तो आए थे, कह रहे थे कि ये मिड रेंज फोन होगा, कुछ रूमर्स थे कि रियलमी GT5 Pro होगा। देखो यार अब इसका कॉन्सेप्ट रेंडर आ चुका है, ये फोन आपको ऐसा दिखाई दे सकता है। अब सब लोग कह रहे हैं कि भाई ये रियलमी GT5 Pro है, और कुछ लोग कह रहे हैं कि रियलमी 12 Pro Plus है। अब देखने वाली बात होगी भाई ये कौन सा फ़ोन है। अब रियलमी टीज करना चालू किया है तो ये अक्टूबर मंथ में लॉन्च होगा, देखा जाएगा कौन सा फ़ोन है, कुछ पता चलता तो बताता हूँ मैं। मुझे जहाँ तक लगता है ना यार ये रियलमी 12 प्रो प्लस हो सकता है, क्योंकि स्टार्टिंग में रूमर्स आए थे कि ये मिड रेंज फ़ोन होगा, तो मिड रेंज फ़ोन ही हो सकता है ये। GT5 Pro में पेरिस्कोप लेंस ज़्यादा नहीं हो गया? आपको याद होगा मैं आपको कुछ दिन पहले बताया था आईटेल अपने आईटेल S23 Plus नाम के फोन को इंडिया में लॉन्च करेगा, जो 15,000 रुपये के आसपास कर्व डिस्प्ले प्रोवाइड करेगा। तो ये फोन लॉन्च हो चुका है इंडिया में, और मेरे भाई ये बहुत अच्छा फोन है यार, इतने कम दाम में कर्व डिस्प्ले दे रहा है, और बाकी सारे स्पेसिफिकेशन भी काफी अच्छे हैं, बस प्रोसेसर थोड़ा सा वीक है। देखो यार अगर आपका 15,000 रुपये का बजट है तो मैं इस फोन को रिकमेंड करने से पहले ये चीज बताना चाहता हूँ कि भाई देखो ये फोन अच्छा है, एक्सपीरियंस करना चाहते हो कर्व डिस्प्ले को, कुछ अच्छे स्पेक्स को, तो कर सकते हो, लेकिन इस बात को ध्यान में रखना आफ्टर सेल सर्विस भी मैटर करता है, इस बात को जरूर ध्यान में रखना, क्योंकि यार 15,000 रुपये में ये फोन बहुत ज्यादा सेल होगा क्योंकि ऐसा चीज ये दे रहा है, लेकिन 15,000 रुपये में बाकी सारे ब्रांड्स भी हैं जो अच्छे फोन दे रहे हैं, जैसे कि मोटो G54 5G को देख लो। मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ, सोच कर देखो यार, आईटेल एक ठीक ठाक ब्रांड है, लेकिन भाई ये कहते हैं ना कि क्यों भाई इतना सारा चीज़ अच्छा दे दे रहा है, कुछ ना कुछ तो होगा ना, तो अंदर में कुछ डाउट रहता है। तो सब आईटेल ब्रांड के पीछे नहीं भाग सकते, समझ गए ना। तो मैं बस ये कहना चाहता हूँ अगर आप एक्सपीरियंस करना चाहते हो, कुछ है चुल है अंदर में, तभी इसके तरफ जाना, अदरवाइज इसके साथ कुछ हो सकता है, आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। आई होप सो क्या आप मेरी फीलिंग्स को समझ रहे हो कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। वैसे आईटेल का बात निकल गया है तो आईटेल P55 5G भी लॉन्च हो गया है, ये इंडिया का सबसे सस्ता 5G फोन है। हाँ यार इतने कम प्राइस पे अभी इंडिया में कोई और 5G फोन अवेलेबल नहीं है। सैमसंग गैलेक्सी S24 सीरीज के फोन्स 18 जनवरी के आसपास लॉन्च हो सकते हैं, उनका इवेंट 18 जनवरी के आसपास ही होगा। अब ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, आइस यूनिवर्स ने कहा है, और वो भी ऐसे ही बोल रहे हैं आसपास होगा, तो मतलब हम लोगों को अंदाजा मिल गया, टाइमलाइन के बारे में पता चल गया कि हाँ भाई जनवरी के 18 तारीख के आसपास ही डेट होगा, हम लोगों को देखने को मिलेगा, चलो अच्छी बात है भाई, ज़्यादा दूर नहीं है। Xiaomi 13T और Xiaomi 13T Pro ये दोनों स्मार्टफोन्स ग्लोबली लॉन्च हो गए थे, मैंने वीडियो बना दिया था, अगर आप मिस कर दिए हो तो आई बटन पे आपको मिल जाएगा, अच्छे से सब कुछ बताया हूँ। एंड आई होप सो यार Xiaomi वालों का मूड बदले और इन फोन्स को इंडिया में लेके आए। ओप्पो के ए सीरीज़ का सबसे बड़ा वाला भाई यानी कि सबसे हायर वर्जन ओप्पो A79 5G, ओप्पो का मिड रेंज फ्लैक्सी फ़ोन, ये आज NPTC सर्टिफिकेशन पे पकड़ा गया है, और रूमर्स के अकॉर्डिंग ये फ़ोन काफ़ी बवाल होगा और इसका प्राइस भी काफ़ी बवाल होगा।
वैसे Xiaomi Watch 2 Pro, Xiaomi का फ्लैगशिप स्मार्ट वॉच भी लॉन्च हो गया है। सारे डिटेल्स स्क्रीन पे हैं भाई लोग देख लो। ये बहुत ही मस्त प्राइस पे बहुत अच्छे स्पेक्स दे रहा है। अगर भाई बाकी कॉम्पिटिटर से कंपेयर मारोगे Samsung के स्मार्ट वॉच से या फिर Google के स्मार्ट वॉच से, Apple के स्मार्ट वॉच से, ये बहुत अच्छा वैल्यू दे रहा है। और हाँ, Xiaomi Band 8 भी लॉन्च हो चुका है, Xiaomi का नया स्मार्ट बैंड। आई होप सो कि यार ये दोनों प्रोडक्ट्स इंडिया में आए, एटलीस्ट Xiaomi का बैंड 8 तो आए ही आए। कल मेटा का बहुत बड़ा इवेंट था जहां पर हमारे मार्क भैया बहुत सारे एक्साइटिंग चीज़ों को अनवील किए, लेकिन मैं ऐसी चीज़ों को बताऊंगा जो हमारे ज़िंदगी में इम्पैक्ट डालेंगे, तो कुछ अच्छी चीज़ें कलेक्ट करके लेके आया हूं। जैसे कि सबसे पहले वो इमू AI को अनवील किए, EMU। देखो यार, ये जो AI है आपको आने वाले टाइम में आपके WhatsApp में, Instagram में, Facebook Messenger में देखने को मिल जाएगा। इसके थ्रू आप क्या कर सकते हो बताए, आप कुछ भी लिखोगे आप उसके थ्रू फोटो जनरेट कर सकते हो। मतलब कि आपके दिमाग में कोई भी आपका इमेजिनेशन है आप उसको लिखो और वो फोटो में तब्दील हो जाएगा। सुना सुना सा लग रहा है ना, जो बंदे डॉल-ई, मिडजर्नी AI का इस्तेमाल करते हैं वो समझ जाएंगे, कनेक्ट करेंगे। तो ये कुछ कुछ वैसा ही है, लेकिन ये उनसे बेहतर है। ये 5 सेकंड में कुछ भी जनरेट कर देगा। जैसे कि मान लो ऋतिक रोशन सर चांद पे है, लिख दोगे तो वो फोटो बना के आपको दे देगा हाई क्वालिटी में। तो ये एज अ फीचर के तौर पर आपके फेसबुक मैसेंजर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप में देखने को मिलेगा। तो आप बहुत ही अच्छे तरीके से इसका इस्तेमाल कर पाओगे और हाई क्वालिटी फोटोज क्रिएट कर पाओगे आपके दिमाग में जो भी आपका इमेजिनेशन है। तो काफी अच्छा चीज है ये वाला फीचर मेरा फेवरेट है, सेलिब्रिटी AI चैटबॉट्स। देखो यार, चैटबॉट्स के बारे में हम सब लोग जानते हैं, स्नैपचैट जो बंदे यूज करते हैं उनको पता होगा, एंड जो भी चैटबॉट्स यूज करते हैं। लेकिन भाई ये जो चीज़ है ना, ये बिल्कुल अलग है। यहाँ पर आप अपने फेवरेट सेलिब्रिटी से बात कर पाओगे, उनसे चैट कर पाओगे, कुछ पूछ पाओगे, वो सब कुछ आपको बताएंगे एंड रिएक्शन भी देंगे, बातचीत भी करेंगे। सोचो यार, हमारा मिस्टर बीस्ट भी इसके अंदर में, सोचो स्नूप डॉग, मिस्टर बीस्ट, एंड अभी बहुत सारे आपको चीज़ें देखने को मिलेंगी, बहुत सारे सेलिब्रिटी AI चैटबॉट्स आपको देखने को मिलेंगे। ज़रा सोच कर देखो, आप शाहरुख खान सर से बात कर पाओगे, सोच कर देखो यार, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है यार। आई होप सो कि ये जल्द से जल्द रोल आउट होना चालू हो और हमें बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ देखने को मिले जिनसे हम बातचीत कर पाएँ। वैसे प्रोडक्ट लॉन्च की बात की जाए तो मेटा Ray-Ban स्मार्ट ग्लासेस लॉन्च हो चुके हैं। इनके थ्रू आप लाइव स्ट्रीम कर पाओगे मेरे भाई। हाँ यार, आप लाइव स्ट्रीम कर पाओगे। बाकी ये स्मार्ट ग्लासेस वाले वो सारे काम करेगा, डायरेक्शंस बताएगा, गाने सुन सकते हो, कॉल्स रिसीव कर सकते हो और भी बहुत सारी चीज़ें, आप वीडियोस भी देख सकते हो। हाँ, गूगल अब से आपको अर्थक्वेक्स के भी अलर्ट्स देगा। ये काफ़ी अच्छा यार, जान बचाने वाला फीचर है। आप इसको कैसे यूज़ कर सकते हो, आपको सारे स्टेप्स स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, देख लो मेरे भाई लोग। भाई ये बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही नेक्स्ट लेवल का, बहुत शानदार चीज़ है। एंड भाई इससे कितने लोगों की जान बचेगी आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो यार। ज़रा सोच कर देखो, अर्थक्वेक्स आने वाले हैं और आपको अलर्ट मिल गया और आप अपनी जान बचा सकते हो यार। यार ये गूगल बहुत अच्छा काम कर रहा है और ये इंडिया में लॉन्च हो चुका है, तो बहुत अच्छी बात है। OnePlus Buds 3, OnePlus के अपकमिंग प्रीमियम ईयरबड्स जो OnePlus 12 के साथ लॉन्च हो जाएंगे, इनके रेंडर्स आ चुके हैं, देख लो भाई लोग। ऑन लिक्स क्रिएट किए हैं, दैट मीन्स आपको ऐसे ही दिखाई देंगे ईयरबड्स। इनके कुछ स्पेसिफिकेशंस बता देता हूँ, जैसे कि 10.4 mm के ड्राइवर्स होंगे, 48 dB का ANC होगा, IP55 का रेटिंग होगा, ब्लूटूथ वर्जन 5.3 होगा, 520 mAh बैटरी होगा और भी जितने डिटेल्स हैं आपको स्क्रीन पे दिखा दूंगा, देख लेना भाई लोग। और ये इस साल के एंड तक लॉन्च हो जाएंगे। Redmi Note 13 सीरीज के फोन्स अब चाइना से बाहर निकल चुके हैं, इनका सर्टिफिकेशंस का जर्नी शुरू हो चुका है। ये जो फोन्स हैं IMDA सर्टिफिकेशन पे पकड़े गए हैं, दैट मीन्स Redmi Note 13 सीरीज के फोन्स का ग्लोबल लॉन्च बहुत ही करीब में है। और एक बार ये फोन्स ग्लोबली लॉन्च हो गए तो इंडिया में भी बहुत ही जल्द लॉन्च हो जाएंगे। वैसे अगर आप Redmi Note 13 Pro या फिर Redmi Note 13 Pro Plus, इन दोनों स्मार्टफोन्स के बारे में कुछ भी जानना चाहते हो, आपको आई बटन पे वीडियो मिल जाएगा, मैंने बना दिया था। iPhone 15 Pro Max के DxO Mark के कैमरा स्कोर्स आ चुके हैं और मेरे भाई इस बारी iPhone 15 Pro Max सेकंड नंबर पे है 154 कैमरा स्कोर्स के साथ, 154 कैमरा स्कोर्स के साथ। पहले नंबर पे है Huawei P60 Pro 156 कैमरा स्कोर्स के साथ। यार सुनकर बहुत ही तकलीफ हुआ कि एप्पल का नया आईफोन सबसे महंगा वाला सेकंड नंबर पे है कैमरास के मामले में। हमारे काल पे भैया का नया सब ब्रांड लॉन्च हो चुका है, CMF बाई नथिंग अपने 3 प्रोडक्ट्स को लॉन्च कर दिया इंडिया में। मैं भाई बस सिंपल वे में यही कहना चाहता हूँ, इन तीनों प्रोडक्ट से दूर रहो, अच्छे प्रोडक्ट्स नहीं है, वैल्यू फॉर मनी नहीं है, दूर रहना मेरे भाई। अगर कम पड़ रहा तो जाके अनबॉक्सिंग्स देखो, आपको रियलाइज हो जाएगा कि भाई क्वालिटी भी यहाँ पर अच्छा देखने को नहीं मिल रहा है। आपको जिस प्राइस रेंज में ये जो भी चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं ना, आपको बाकी कॉम्पिटिटर्स
बहुत अच्छी चीज़ें देंगी और स्टेबिलिटी भी वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो भाई दूर रहो यार इन प्रोडक्ट से। लावा ब्लेज प्रो 5G, लावा का नया 5G फोन लॉन्च हो चुका है और भाई ये बहुत अच्छे स्पेसिफिकेशन दे रहा है, काफ़ी अच्छा कॉम्पिटिशन क्रिएट कर रहा है अपने प्राइस के हिसाब से। लेकिन यार सवाल वही आ जाता है कि इसको खरीदे कि नहीं खरीदे। देखो यार, अगर आपका बजट टाइट है तो उसकी तरफ जा सकते हो, लेकिन आप थोड़ा सा भी पैसा बढ़ा सकते हो तो मोटो G54 5G एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर से करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, मेरी मेहनत अच्छी लगी तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। हमेशा अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।